गुरुवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के असेंबली हॉल में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण और जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की देखरेख में छात्रवृत्ति पखवाड़े का आयोजन किया गया। विभिन्न जनपदों से आए प्रधानाचार्यों ने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आने वाली विभिन्न परेशानियों से अवगत कराया। प्रधानाचार्यों की समस्याओं को सुनकर जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि कुमार और NIC इंचार्ज रेखा गाड़िया ने सुझाव दिए। इस अवसर पर DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी संजय मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि कुमार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अश्वनी कुमार, NIC इंचार्ज रेखा गाड़िया सहित भारी संख्या में जनपद के प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि कुमार ने कहा, एक तरह से कहा कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी सभी लोग बैठे हुए, बहुत बड़ी संख्या में आप एक सार्वजनिक रूप से पूछ लिए, क्या आपकी जिस वेबसाइट को आपने दिया है बच्चों को भरने के लिए, हम लोग को किस ढंग से चल रही है छात्रवृत्ति की साइट की? सर, तीन तीन दिन में एक फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। सर, सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए सर आपसे अनुरोध है कि छात्रवृत्ति के उस वेबसाइट की गति को सही किया जाए। और इसके अलावा सर, और जो अंतिम तारीख निकट आ गई है, अंतिम तारीख बढ़ाई जाए। और सर, दूसरी समस्या जो हम लोग कहना है वो प्रशासन से आप कहीं से जुड़ी हुई है। दूसरी समस्या प्रशासन से आप कहीं से जुड़ी हुई है, आपके और शासन का निर्देश है कि बच्चों को छात्रवृत्ति के खाते जीरो बैलेंस पर खोले जाए। और समस्या सर यह है कि बैंक वाले 2500 रुपए पर खाते खोल रहे हैं अथवा वापस कर रहे हैं। उसके लिए सारे बैंक को आप एक आदेश जारी करें कि वह जीरो बैलेंस पर खाते खोले। इससे जुड़ी हुई है कि वो वेबसाइट अभी अपग्रेड हो रही है। एक दूसरी तरह की समस्या है कि 5% अभी फॉर्म भरे गए हैं, 95% वेबसाइट नए चले से नहीं भरे गए हैं। अगर वो अपडेट होता रहा तो हो सकता है कि सस्पेक्टेड डाटा में वो जो 5% भरे गए हैं फिर से भरना पड़े, तो एक नई समस्या भी आ सकती है। सर, उसको भी थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे। और डेट तो अगर बढ़ेगा नहीं तो 5 से 15% ही ज़्यादा ज़्यादा फॉर्म पूरी हो पाएंगे, बाकी सब वंचित हो जाएंगे। और उसमें हम लोग किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो वेबसाइट बनाने वाले और उसको चलाने वाले लोग। इसलिए रेट भी बढ़ाया जाए और वेबसाइट इस तरह से बनाई जाए कि जो स्मूथली उसमें काम हो सके। आने क्लासों में बीएड में आने जिनका खाता संख्या भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बजट नहीं गया सर अभी तक। उन बच्चों को अभी तक छात्रवृत्ति या छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पाई है और कॉलेज में आकर के प्रतिदिन पूछते हैं हमारा कब आए। सर, इसके लिए एक दिन पेपर हम लोग पढ़े थे, मुख्यमंत्री जी का भी आदेश हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। सबसे ज्यादा स्थिति खराब सर बीएड वालों का, 51,250 रुपया उनको देना बड़ा दुभर कार्य है और बहुत सारी समस्याएं कॉलेज को भी, हम वो बहुत टाइट भी नहीं हो सकते हैं। तो सर, इसमें थोड़ा सा अगर कुछ हम लोग को मार्गदर्शन मिल जाता कि क्या करना है हम लोग, तो बड़ा अच्छा होता है। 24 सितंबर उसके लिए कुछ फॉर्म भरने के लिए जो नए लड़के भरेंगे
उसके लिए कोई नया दिशा निर्देश दिया जाए? सहमत, पहली बात तो यह कि ताली आपकी ताली में हम लोग भी शामिल है, हमारी भी ताली उसमें जोड़ लीजिएगा। लेकिन ताली बजाने से हम लोगों का हल नहीं होना है, हम लोगों को पूरा परफॉर्मेंस देनी है, जो कमियां हैं उनको दूर करा करके हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिले, ये हम लोगों को देखना है। आपने कई मुद्दे उठाए, सबसे पहला मुद्दा यही था कि साइट नहीं चल रही है और रुक रुक के या धीमी चल रही है। हम लोगों ने भी अनुभव किया, हम लोगों को भी जो चीज़ें देखनी होती हम लोग नहीं देख पा रहे हैं दफ्तर में। आप कई विद्यालयों से, हमारी कई प्रिंसिपल साहबान से हम लोगों की बात भी हुई है, उनसे हमने कहा कि आप एक औपचारिक पत्र दे दीजिए ताकि उसको लगा करके हम लोग वहाँ भेज दें। कई लोगों ने पत्र भेजे भी हैं, हम लोगों ने लगा के रेफरेंस किया है कि यह दिक्कत आ रही है, और यह दिक्कत आपके जनपद की नहीं पूरे प्रदेश की है। तो अगर समस्या पूरे प्रदेश की है तो बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि छात्रवृत्ति जब तक फार्म नहीं भरा जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो फार्म नहीं भरा जाएगा तो छात्रवृत्ति मिलेगी नहीं, है बिल्कुल स्पष्ट है। या तो डेट बढ़े या जो समय रह गया उसके अंतर्गत सुधार हो जाए तभी आवेदन हो पाएंगे, और आवेदन जब होगा तभी छात्रवृत्ति मिल पाएगी, क्योंकि आपके पास नहीं कम समय होगा, जो तिथियाँ निर्धारित हैं वो पहले से निर्धारित हैं, उसी के बीच में आपकी जो कार्रवाई होनी है आपको करना है, जो बच्चों को कार्रवाई करनी है वो बच्चों को करना है, जो DI साहब को करना है वो आपको करना है, इसके बाद हम लोगों को करना है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन लेना है वो हम लोगों को करना है। तो सारे स्तर पर भेज भी रहे हैं। आज ये पखवाड़ा मनाए जाने का उद्देश्य भी यही था कि जिलाधिकारी महोदय या मुख्य विकास अधिकारी महोदय इस बीच में रहेंगे, तो स्थितियाँ उनके संज्ञान में भी रहेंगी और उनके संज्ञान में होने के कारण जल्दी से इसका त्वरित निस्तारण हो सकेगा। क्या बात हुई चलिए, वो लोग नहीं आ रहे हैं, जबकि आते तो ज़्यादा समस्या का हम लोग समाधान कर पाते, यही कुछ न कुछ एक्शन हो पाता। तो अब उनके संज्ञान में हम लोग ले जा करके रखेंगे कि ये दिक्कतें आ रही हैं, इन दिक्कतों को दूर अगर नहीं किया गया तो वास्तव में छात्रवृत्ति समय से वितरित या मिल पाना संभव नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी कम रही जिसकी वजह से देखे भी आ रहा है कि फंड की अवेलेबिलिटी की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आज बच्चों को परेशानी हो रहा है।
वितरण का पखवाड़ा मनाया जा रहा है और इस पखवाड़े के संबंध में आयोजित करने के संबंध में यह बैठक थी। समस्त जिले के प्रधानाचार्य, डीआई साहब, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी और एनआईसी की मैडम डीओ एनआईसी इस बैठक में उपस्थित रहीं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि समस्त पात्र छात्रों को समय से छात्रवृत्ति का वितरण हो जाए और कोई पात्र छात्र जनपद का छात्रवृत्ति पाने से वंचित न रहे। समस्याएं कोई खास नहीं है, साइट चलने की कुछ समस्या है। जो विभागीय साइटें हैं, जो साइट जिस साइट पर बच्चे आवेदन करते हैं वो धीमी चल रही है, उसके सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं कहीं जीरो बैलेंस पे खाता खुलने में बैंक में समस्या आ रही है, उसको भी संज्ञानित किया गया है और इन समस्याओं को समाधान कर लिया जाएगा। 31 अगस्त तक ये छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट है और सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया है कि वो समय से छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र बच्चों से भरवा दें ताकि सभी बच्चे, सभी पात्र छात्र जो हैं उनको समय से छात्रवृत्ति प्राप्त हो जाए।